पिछले दिन बैकअप लिया मेरा 2020 में। अब ये देखो पेपर में आया वो कुछ इधर लोग चाह रहे हैं कि जो आईबी में आज पेपर आया वो सॉल्व करवा दो। चलिए नहीं नहीं आंसर की बना के भेजने थी इसलिए पहले आए। प्लेजर एंड पेन आर इनसेपरेबल फेसेट्स डैश ह्यूमन एग्जिस्टेंस। पहला क्वेश्चन इन ऑन ऑफ या बाय में से क्या आएगा। 61 से 70 10 क्वेश्चन आए और 10 के 10 क्वेश्चन में Fill in the blanks say, is there dash fitness center near your house? Is there and fitness? The, A, or none of these? Any option. So, none of these. He has hardly read Ajar. It was a good question. Dekho, mera padhaya hua tha. He has hardly read dash book. A B C D मैं देखो जैसा क्वेश्चन मैंने ये पांचवा बना रखा सेम क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 63 आया है। मैनी ऑल द और नन ऑफ द अबव। जब भी नन ऑफ द अबव ऑप्शन में हो वही आए ऐसा नहीं है क्या ऐसा है। आइए ही हैज हार्डली रीड। अब एक बात बताओ एक एक बात देखो नौ का मतलब होता है नौ टाइम बता रखा है। सर अगर मैं कहूं आई हैव नो बुक तो इसका क्या मतलब हुआ आई डू नॉट हैव एनी बुक। या फिर मैं इसमें डू नॉट को बिल्कुल हटा के कह दूं आई हार्डली हैव एनी बुक ये सर नो तो इसका मतलब हार्डली स्पेसिफिक को शो करता है या अनस्पेसिफिक को। अनस्पेसिफिक को
इसका मतलब द मैनी या ऑल कुछ भी नहीं आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए? एनी। सेम क्वेश्चन इस तरह का था, सम ऑफ द पॉलिसीज वर एग्जैक्टली डैश, ठीक है, वर के बाद टू आ सकता है, सो आ सकता है, अगर टू आ रहा है तो टू के साथ क्या आएगा? टू। सो आ रहा है तो सो के साथ टू नहीं आएगा, सो आ रहा है तो सो के साथ क्या आएगा? डैश। अब आपका आंसर या तो ए आएगा या फिर सी, बताओ क्या आ रहा है? किस चीज का आंसर ए आ रहा है? शाबाश, तुम थी। क्या पॉलिसीज खुद समझेंगी या समझी जाएगी? और जो चीज किसी दूसरे के द्वारा समझी जाएगी वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए या बी प्लस थर्ड फॉर्म? तो टू सेटल टू बी अंडरस्टूड होना चाहिए। ये आंसर इट डजंट मेक सेंस, इट इज नॉट अ सेंसिबल सेंटेंस। समझ में आ रहा है? सी किस किस का आंसर आ गया? बिल्कुल सही जगह है, गलत है। जब मैं कह रहा हूँ कि सो के साथ दैट आ गया है तो ठीक है, बट दे किसके लिए यूज किया मैंने? सम ऑफ द पॉलिसी। ये पॉलिसी खुद समझ सकती है या समझी जा सकती है? और समझी जा सकती है। दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड, दे कैन नॉट बी, तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। आंसर क्या होना चाहिए था? नन ऑफ द अबव। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर वर लगा हुआ है तो ये कैन नहीं आना चाहिए, कुड आना चाहिए। अगली गलती ये भी, बिल्कुल सही बात। तो कई बच्चे जो ए और बी को गलत करने के बाद सी सीधा गलत अगर कर पाए तो कैन की बदौलत कर पाए, पर कैन के बाद भी एक और भी हिंट थी जिससे आप इसको गलत साबित कर सकते थे। दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या आ रहा है? डी। अच्छा है क्वेश्चन? ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगला देखिए, कल 3:30 से 4:30 में ऑनलाइन की क्लास वोकैब का बैच पढ़ा रहा था, और वोकैब का जो वर्ड पढ़ा रहा था, वो वर्ड पढ़ा रहा था मैं इग्रेस। इग्रेस के ऊपर बात हो रही थी कि इग्रेस वर्ड इग्रेशन से किस तरह से अलग अलग है, और कैसे ये वर्ब के तौर पे और नाउन के तौर पे दोनों के तौर पर ये दोनों वर्ड्स काम करते हैं, और कैसे इसका मतलब जो है एमिट होता है या फिर डिपार्चर होता है, इसके तौर पर भी मैं बात कर रहा था। इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये दोनों इसके सिनोनिम, ठीक, और कैसे कैसे इसके जो फ्रेज बनता है। अगर मैं कह दूं एक्सेस एंड डैश, तो एक्सेस एंड इग्रेस यूज होता है हमेशा फ्रेज के तौर पर। एक्सेस एंड इग्रेस, किसी चीज तक आपकी पहुंच एक्सेस, और वहां एक्सेस होने के बाद जब आप कमिंग आउट या पुलिंग आउट ऑफ योरसेल्फ होता है, दैट इज नोन एज इग्रेस। सो एक फ्रेज के तौर पर भी बनता है एक्सेस एंड इग्रेस, एक्सेस एंड इग्रेस। इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा था, बातचीत कर रहा था, तो एक बच्चों ने कहा सर ऐसे पढ़ाते हो तो अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो आपको धन्यवाद कैसे दें, उसकी टेंशन यहाँ फंसी हुई है। मैंने जो पीछे 3 सेशन लिए उसकी रिवीजन पूछ ली, 3 क्वेश्चन नहीं आता। उन्होंने कहा तेरा बहुत बढ़िया सिलेक्शन आया, तू मेरे को इसलिए ढूंढेगा क्योंकि तेरा सिलेक्शन तो चीज सारी पढ़ाई लिखाई जाती है, सिलेक्शन उस पर डिपेंड है, याद और ध्यान कितना रहता है। चीजें सारी खाली इंग्लिश थोड़ी ना, मैथ भी है, जीके भी है। अभी पेपर होना चाहिए ऐसे 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट कर लो ना, 400 क्वेश्चन आए 100 लेनी 100, लेकिन बच्चे हमारे ऐसे होने चाहिए 400 क्वेश्चन आए और 400 सॉल्व करने के बाद उनका इच्छा है कैनी 100 कोई 100 चेक कर ले, नंबर नहीं बढ़ाएंगे हमारे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये था 5वां प्रकार एक्सटेंट का, और एक्सटेंट के तौर पर आपके पास कंप्लीटली के सेंस में एक और वर्ड यूज किया जाता है। मैं कहूं दिस क्वेश्चन इज टू इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन is so important
not important, important. This question is very important. And such mein ye important hai bhi dono bata. But this question naam kya hai? Finish. Quite important. भाई जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। खाया करो सैलेड वैलेड खाया करो, जितना ज्यादा फाइबर्स को यूज करते हैं दिमाग बहुत तेज चलता है, मेमोरी बहुत तेज होती है। मतलब सैलेड खाने का मतलब है आप मौसमी फल खाएं जरूर से जरूर। अभी जैसे किनू आया हुआ है, संतरा आया हुआ है, इस तरह की चीज गर्मियों में मौसमियाँ आ जाती हैं, उनको जरूर से जरूर खाएं। आम आता है उनको खाएं। ये जो 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 बिल्कुल बारहमासी जो फल होते हैं, अनानास है बारहमासी चल रहा है आजकल, इनको तो बिल्कुल ऐसे ऐसे चलते फिरते भी कितनी स्टॉल्स होती है आपके पास, भैया 10 रुपीज का देना, फटाफट लिया खाया चले। रिफ्रेश करता है एकदम से आपके माइंड को, बॉडी को, सोल को। आपके टेस्ट अलग बनते हैं जीभ के, वो माइंड के टेस्ट भी बदल देती है, और उस माहौल में जो भी आप पढ़ते हो वो याद भी जल्दी रहता है, अच्छे से रहता है, क्रिएटिव बनाता है आपको ये सब चीज़। पूरा जिंदगी दूध और खाली ये रोटी खाते खाते एक ही सब्जी रोज खा पाते हो, बोर नहीं हो जाते? आप अपनी मम्मी तक को झाड़ देते हो कई बार, तो क्या है रोज एक ही सब्जी बना, मैं नहीं खा रहा है। आपके शरीर के साथ क्या होता होगा जो आप एक ही चीज करते होगे बार बार? सीखिए इन चीजों को। मैं मेरी निजी जीवन की जिंदगी बता रहा हूँ। मैं खाने पीने में, आपने कई बार देखा होगा मैं खाना पीना 181 वाले जानते हैं, आपके क्लास के बाहर में कई बार खाना खा रहा होता हूँ, आपकी क्लास खत्म होने के बाद 321 319 वहीं पे जो है ना गली सी बस्ती वहाँ। तो मेरे पास सबसे पहले 2 टिफिन तो इसी बात के होते, पोहा नहीं होता अनार होता है। पोहा और आम सैलेड खाओ, फाइबर से रिलेटेड खाओ चीजें खाओ, ठीक है। भारी ऐसी चीज मत खाओ जिससे मस्तिष्क भारी हो। मस्तिष्क भारी होते आपकी स्लीपीनेस, ड्रेजीनेस, वो बिल्कुल इस तरह की चीज बढ़ जाएगी आपके पास, नींद आने वाली, आलस होने वाली चीज बढ़ती है, वो चीज मत खाओ। इसलिए सुबह सुबह आप इसके साथ ही अगर कनेक्ट कर सको तो स्प्राउट्स को खाने की कोशिश करो, मूंग चने इस तरह की चीजें, ठीक है। इसी के साथ एक और आता है, अगर आप खा पाओ तो बेशक 4 दाने 20 4 या 7 दाने 10 दाने खा लिया करो, द एक्सट्रीम सोर्स ऑफ प्रोटीन सोयाबीन, सोयाबीन को खाओ। लेकिन इसके साथ आप 4 या 5 दाने इसलिए कह रहा हूं, इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज आफ्टर ईटिंग इट, बहुत तेज आपको एक्सरसाइज जरूरत है। अगर आप पसीना नहीं निकालते हैं आपके पूरे के पूरे शरीर को ब्लास्ट भी कर सकती है, इस तरह की गर्मी होती है इसके अंदर। टेंशन की बात नहीं है, और सेम जितना सोयाबीन के अंदर होता है, कुछ ये सारी चीजें थोड़ा बहुत मैंने की थी, उसके बाद मेरे चिकन पॉक्स हो गए। मैं नहीं कर पाया अभी कंटिन्यू, तो मैं धीरे धीरे आया हूँ इस चीज पे, क्योंकि एकदम से ठंडा निकालना था, एकदम से ये सब निकालना था, धीरे धीरे आ रहा हूँ। ऐसे निकले कि इनकी वजह से उठा है। अभी अभी देखो दिसंबर जनवरी गया था, आप में से किस किस ने ड्राई फ्रूट्स खाए होंगे, गोंद के लड्डू घर में बने होंगे खाए होंगे, ये सुनो वो काम करती है शरीर पे, काम करती है। जैसे जैसे चिड़िया जो होती है वो बरसात से पहले अपने दानों को इकट्ठा कर लेती है, ऐसे शरीर भी डिमांड करता है, स्टोरेज हाउस होता है उसके पास। वो गर्मियों में आपको इस तरह की चीज नहीं खानी होती, मन ही नहीं करेगा आपको ऐसी चीज खाने का, और ना खा सकते आप। जिनको खानी होती है वो मजबूरी में खाते हैं। Please.
देखो मेरी बात अगर जितने लोग समझ पाए वो घरेलू लोग हैं, क्योंकि ये जो मेरी बात थी बड़ी घरेलू बात थी। बात बिल्कुल सही कहता हूँ भाई साहब, तू करके तो देख। कुछ बोला मैं नहीं, फिर भी तुम समझ गए। इसको बोलते कॉलोकेशन, दिस क्वेश्चन इज टू इम्पोर्टेंट। टू के साथ अगर एडिशनली टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, ठीक है। लेकिन इसकी सेंस अगर पूछी जाए तो ये है, ये क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होना चाहिए। और जब हम इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो अच्छा शब्द है, और अच्छे शब्द के साथ नेगेटिव एक्सटेंट का वर्जन इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल इसका मतलब मिस्टर शर्मा इज टू वीक अपने आप में बिल्कुल सही है। टू वॉक लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, क्योंकि वीक अपने आप में नेगेटिव है, टू इसी नेगेटिव को थोड़ा सा बढ़ाएगा तो नेगेटिव का सुपर नेगेटिव बन जाएगा। इम्पोर्टेंट खुद पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव एक्सटेंड लग सकता है नहीं, ये तो अपने आप को एक दूसरे को क्या करनी है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। आईबीपीएस क्लर्क पीओ के अंदर इस तरह के स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, वहां आपको ये चेक करना होता है कि आउट ऑफ द फोर सेंटेंसेस विच टू सेंटेंसेस या विच वन सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। कुछ ऐसे सेट बना, ओनली ए बी, ओनली बी सी, ओनली ए बी सी, ऐसे करके आते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दे, बाकी तो मैं खरीद रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट, क्या ये सेंटेंस चाहिए, बताइए क्या ये सेंटेंस चाहिए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था इंग्लिश टीचर, मुझे बहुत बढ़िया। बेटा एक बात बताओ, ब्रह्मांड के अंदर मनुष्य की क्या कीमत है? वही कीमत आपकी जिंदगी में इंग्लिश की है। तो मैंने कहा ये लाइन बोल के तो एडमिशन ही नहीं हो रहा। में ये बात बोल सकते हो, अरे बताओ क्या करना है आपको ब्रह्मांड से? आपके दिमाग में कभी भी आता है कि हम एक ब्रह्मांड की यूनिट है? पूरे दिन में भी कभी ध्यान आता है? नहीं, आप इतने ज्यादा भौतिकवादी हो चुके हो। भौतिकवादी उसी को कहते हैं जिसके दिमाग में हमेशा ये चल रहा हो चाहिए। पूरा आध्यात्मिक इंसान उसको कहते हैं जिसको जिसके दिमाग में ये रहता है ईश्वर चाहिए। ईश्वर चाहिए के अलावा जो भी चीज चाहिए की बात दिमाग में चल रही हो वो प्रत्येक नर नारी मनुष्य या कोई भी पशु पार्श्विक नेचर का कोई भी रूप हो, बीज रूप हो, उस प्रत्येक को भौतिकवादी। सीधी सीधी डेफिनेशन है, यही चीज जब मुरारी बापू कहते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं और सत्संग करते हैं, चारी मित्र कहते हैं तो चरित्र रिकॉर्ड हो रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है ये मार कर रन नहीं तो मैं लट होता मारता। सो के साथ हमेशा कहता है, सो कभी भी बिना दैट के पूरा नहीं होता, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इनफॉर्मल इंग्लिश में ये सबके एक ही मीनिंग आते हैं, जबकि फॉर्मल इंग्लिश में ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अगला दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है लेकिन मीनिंग दोनों के अलग अलग है। बताओ, देखो मैं खाली एडवर्ब ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, एडवर्ब को अब आपकी जिंदगी से भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हंसी मजाक ठीक है, अपने जगह पर चल रहा है क्योंकि मैं खुद बोर हो चुका हूँ रूल पढ़ाते पढ़ाते। अगर मैं एक क्वेश्चन को कहूँ कि ये वाला जो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने पढ़ाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पहली बात, और दूसरा दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट दूसरी बात। तो व्हाट इज द डिफरेंस,
the difference lies in the extent or intensity. Whenever I say very, it means somewhat like 100%. When I say quite important, so quite means to certain extent. To a certain extent. और असर्टेन का मतलब होता है सम, और सम का मतलब 50-60-70% होता है, नॉट फुल्ली 100%, कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है और नहीं, प्रोबेबिलिटी का चांस है, बट वेरी जो देता है वो सर्टेनिटी का चांस है। प्लीज बस वो भी एक है। अगला देख, ये पिछली बार ली थी एक क्लास मैंने संडे, पूरी क्लास खेली बस 3 घंटे, ऐसे भी तो सोच सकते हो। आखिरी 5 मिनट की एक डिस्कशन दे रहा हूँ टाइप ऑफ एडवर्ब के अंदर ही। ये कौन सा टाइप था? एक्सटेंट वाला, पांचवा? यस सर। छठा होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, और रीजन का पता तभी लगेगा वाई से पूछोगे। सातवा होता है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, और इसका पता लगेगा वेदर यस और नो। होता है देखो, she came here and therefore found me, she came here and therefore found me, इसलिए उसने मुझे ढूंढा या यहाँ पर पाया। क्यों पाया? क्योंकि वो यहाँ पर आई, इसलिए उसने मुझे यहाँ पाया। So you are therefore found me, पूरा का पूरा काम किसका कर रहा है? Adverb of reason, और reason adverb of reason। अब इसका reason, ये खुद तो अपने आप में एक effect है कि इसने मुझे पाया। क्यों पाया? Because she came here। तो इसका reason actually में क्या है? ये। लेकिन इस reason का adverb क्या है? अगर एक काम करूं मैं, she wept and it and consequently she died, she wept and consequently she died। तो अगर मैं कहूँ consequently she died, इसलिए वो मर गई। क्यों? रोते रोते, she wept a lot। तो she wept अपने आप में reason है, और इस रीजन का प्रभाव क्या बना, जो इफेक्ट होता है, दैट इफेक्ट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ रीजन। सो एडवर्ब ऑफ रीजन का जो कनेक्शन मिलेगा वो वर्ड मिलेगी, कॉन्सिक्वेंटली देयरफॉर या सो शब्द का इस्तेमाल मिलेगा। ठीक है, अगला वर्ड जो मैं लिख रहा हूं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। अफर्मेशन वर्ड का मतलब होता है जब हमारे पास होती है हाँ, और नेगेशन होती है जब हमें मिलती है ना। तो अब आप कह सकते हो कि कैसे किया, कहां किया, कब किया, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार किया, हाउ मच, कितना किया, व्हाई, क्यों किया, किया कि नहीं किया, तेरी जो विशेष है वो पूरी करवानी है घर वालों को, विशेष
तेरे जो घर वालों की कुछ विशेष होंगी तो वो कौन सी होंगी? इसके सारे घर तो ऐसे तो होगी नहीं कि बैंड में ना बजवा हुआ रे जैसे भी चलता है चक्कर चला इसकी शादी करी। शादी कब होती है? जब आदमी के सुना ध्यान से She wept, तो अगर मैं कहूं she is certainly weak, वो निश्चित तौर पर कमजोर है। मैं कहूं अजय इज नाइदर इंपॉर्टेंट अजय शक्तिहीन नहीं है और अजय कायर भी नहीं है। अजय ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही कायर। सो ये जो नाइदर और नॉर जो सेट के तौर पे तो कंजंक्शन बनता है बल्कि अलग अलग तौर पर ये क्या काम कर रहा है? नेगेशन के शो कर रहा है। आइदर और होता तो पॉजिटिव हो जाता, नाइदर नॉर होता तो नेगेटिव। शी इज नॉट डूइंग वेल नाउडेज। सो नॉट क्या? नेगेशन। शी नेवर डज वेल इन द एग्जामिनेशन। वो कभी भी एग्जामिनेशन ठीक नहीं करता, बढ़िया नहीं। फिर से नेगेशन। अब इसी को पॉजिटिव सेंस दिया जाए तो अगर मैं कहूं बिना शक के निसंदेह रूप से यानी निश्चित तौर पर तो सर्टेनली कोई क्या बोला जाता है? अनडाउटेडली। और इसी को बोला जाता है अगर आपको सर दो दो चार होते ना तो मैं कहूंगा ना तो मैं बेकार। मैं कहूँ हाँ दो दो चार ही तो होते हैं ऑफ कोर्स। बोलना है बस पहले O double F C O U R S ऑफ कोर्स का मतलब होता है जो राह से भटक गया। अजय ऑफ कोर्स की स्पेलिंग नहीं पता आपको? कई लोग लिख देते हैं ओ एफ सी लिख देते हैं बस। 7 बजे पहुंच जाइए। ऑफ कोर्स यार नहीं, ज्यादा तो मेरे को इनफॉर्मल इंग्लिश का नहीं पता क्योंकि मेरे को पूरे दिन एरर ही सॉल्व करने होते हैं, फॉर्मल इंग्लिश का होते हैं वो। ऑफ कोर्स में ओ एफ कोर्स होता है, इसका मतलब होता है निश्चित तौर पर सब। और ये भी सारे के सारे जो एडवर्ब होते हैं वो अफर्मेशन के एडवर्ब। तो आपको नेगेशन के एडवर्ब पर छोड़कर जा रहा हूं, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन लिखो ताकि इसके बाद यहीं से बात शुरू हो जाएगी जब भी जिस क्लास में क्लास लगेगी 10 दिन का। पहले ही बता रहा हूं अगर आपके पास 181 321 या 319 अगर इंग्लिश का मैसेज आपके पास प्राप्त हो तो मान लेना कि क्लास नहीं है, कल 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 का रहेगा, बाकी तो उनको पता लग जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं बोल के जाऊंगा उनको और मैं आपको भी पर्सनली बोल दिया है ताकि वो अपनी व्यवस्था कर ले। अगर आपकी क्लास लगती है या नहीं लगती है तो जिस भी तौर पर आप मिले हो तो कृपया मैनेजमेंट से जरूर मिला करो एक बार, और ठीक से मिला करो। हमारी क्लास में स्टूडेंट कम ज्यादा ज्यादा होते हैं। एडवर्ब ऑफ नेगेशन के अंदर नॉट, नाइदर, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, उसके अलावा आपके पास एक वर्ड होता है नो सूनर, इस तरह के जो सारे वर्ड्स हैं वो आपके पास एडवर्ब ऑफ नेगेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे कि अगर कोई
हार्डली या स्पेशली, जब हार्डली या स्पेशली के साथ हो तो उसके साथ वेन या बिफोर का इस्तेमाल होता है, और अगर कोई सेंटेंस सूनर नो सूनर के साथ यूज हो तो उसके साथ टी एच ए एन का इस्तेमाल होता है। और इसके बेस पर दो क्वेश्चन टीयर टू में पक्के 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 आने होते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपने पढ़ा टाइप ऑफ एडवर्ब आज 3 घंटे में, अगली क्लास में पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब चैप्टर को। सर आपने